कि हिंदुज्म को लेके जो भी आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इस लेक्चर को सुनने के बाद खत्म हो गया होगा। गया कि गोपियों की भक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और देवदत्त पटनायक और उन गोपियों को लेस्बियन बोल रहा है और ये भगवत गीता को टीका लिख रहा है। ये हिंदू है कि कुंभकर्ण सब ससुरे सो ही रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा यार। कुछ होना वाना है नहीं, चिल्लम चिल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। जान मूझ के जो महमूद गजनी जैसे गलत लोग हैं उनके प्रति सिंपैथी क्यों पैदा कर रही है, उनको क्या मिलेगा? सो मैं जो भी हिस्ट्री बताती हूँ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज एन अथॉरिटी। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। वर्ष 2018 में कठुआ के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता, उसके बाद पूरा बॉलीवुड गैंग अपने हाथों में तख्तियां लेकर सामने आ जाता है। देखते देखते बात होने लगती है शेमफुल इंडिया, शेमफुल हिंदू, शेम इंडिया। पर हम अभी रिसेंटली देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। ना सिर्फ बच्ची का बलात्कार होता है बल्कि उसकी माँ, उसकी दादी, उसके परिवार की सारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। पर इसके ऊपर कोई बॉलीवुड गैंग बाहर निकल के नहीं आता, हाथों में कोई तख्तियां नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, महिला आयोग नहीं है। उसी तरीके से 2018 में सबरीमाला का मंदिर का केस आपको याद होगा, जहां पर एक स्पेसिफिक एज की महिलाओं को मंदिर के सर्टेन रिचुअल की वजह से उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तो इस बात को लेकर बहुत हाई हल्ला किया गया कि भाई हिंदू धर्म में महिलाओं का कितना अपमान होता है, नारी अब अपमान नहीं सहेगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कई बड़ी बड़ी बातें हुई, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। खैर कोई बात नहीं, होना चाहिए। पर हम देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कई हिंदू महिलाओं को बच्चियों का बलात्कार होता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है। पर हम देखते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर कोई हल्ला नहीं होता है, कोई ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर नहीं आता, कोई ट्विटर वॉर नहीं होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं डासना के अंदर एक 14 साल का बच्चा जाता है जिसको पानी पीने के नाम पर 4-5 थप्पड़ मार दिए जाते हैं, उस बात को तिल का ताड़ बना दिया गया, बहुत हल्ला हुआ, क्रिटिसाइज किया गया। होना चाहिए, कोई बात नहीं। पर हम देखते हैं दोस्तों कि पालघर के अंदर दिन दहाड़े सबके सामने साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आईडी देखकर उनको गोली मारी जाती है, पर इसके ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता है। बट पॉइंट दोस्तों ये है कि जितनी भी मैंने आपको घटनाएं बताई हैं इसके अंदर एक चीज कॉमन है कि हिंदू धर्म के फेथ, उसके बिलीफ, उसके कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर लगातार आक्रमण किया जा रहा है, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और क्रिटिसाइज भी हिंदुओं को किया जा रहा है कि भाई फांसीवाद बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मणवाद बनता जा रहा है, मनुवाद बढ़ता जा रहा है, अब देश रहने लायक नहीं रह गया है। तो ये बड़ा दोहरी मानसिकता समझ में नहीं आ रही दोस्तों। और इससे भी एक आश्चर्यजनक बात दोस्तों ये है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वही अपने धर्म को लेकर बहुत ओवर क्रिटिकल हैं, जजमेंटल हैं, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, उनको शर्म आता है। अगर हम चाइनीज को देखें तो उनको अपने चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत गर्व है, उसको बहुत बोल्डली प्रैक्टिस करते हैं। जापानीज अपने जापानीज सिविलाइजेशन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बोल्डली फॉलो करते हैं। उसी तरीके से यूरोपियन अमेरिकन अपने सिविलाइजेशन के ऊपर उनको बहुत गर्व है, दे आर वेरी प्राउड। पर हिंदुज्म के अंदर ससुरा सब कुछ उल्टा है। यहां लोग खुद ही सवाल उठाते हैं कि राम तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राम तो मिथ है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, हिंदू लोग ही केस करते हैं। तो ये आखिरकार कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों हम देखते हैं हमारा समय एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, हर प्रकार की घटनाओं में रिएक्ट करने में चला जाता है, रिस्पॉन्ड करने में, अरे ट्वीट कर दो, धरना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हेलो, अरे कुछ पता चला? अरे मुनव्वर फारूकी ने भगवान सीताराम का मजाक उड़ा दिया यार। अरे हर जगह शेयर कर दो, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ये नया हिंदू है, ये झुकता नहीं है, ये झुकाता है। जय सनातन। 3 days later। अबे पता चला, अबे बॉलीवुड वाले भी भगवान राम का मजाक उड़ा रहे हैं। अबे एक मूवी आ रही रावण लीला जिसमें भगवान राम का मजाक उड़ाया जा रहा है। अबे हम लोग सहने वाले लोग नहीं है। अबे ट्रेंड चला दो एकदम, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह वायरल कर दो। बायकॉट रामलीला, ठोक दे एकदम, 5 लाख लाइक चाहिए मेरे को, ट्वीट चला दे एकदम, ट्रेंड कर दे एकदम, समझ रहा है? ये हिंदू है, जागने वाला हिंदू है, अब सोएगा नहीं। जय सनातन। हाँ रे कभी। 1 week later। अबे पता चला, अरे फिर से भगवान राम का मजाक उड़ाया जा रहा है यार। अबे एम्स के अंदर ड्रामा किया जा रहा है जिसमें भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पता नहीं भगवान का मजाक उड़ना कब बंद होगा यार। ये हिंदू हैं कि कुंभकर्ण सब ससुरे सो ही रहे हैं, कुछ जाग ही नहीं रहा यार।
देख ले अपने हिसाब से, जो थोड़ा शेयर वेयर कर दे, ट्रेंड वेंड थोड़ा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ होना तो है नहीं, करके देख लेते हैं इस बार भी कुछ होगा तो। हाँ एम्स के नाम पे बायकॉट एम्स और ऐसे वैसे करके थोड़ा देख ले यार। हाँ ठीक है, जय श्री राम जय सनातन। Many months later. कुछ पता चला? हाँ वही जो है अब सेंट मैरी के अंदर भी, हाँ फिर से जो है वही रामायण का मजाक उड़ाया जा रहा है, राम लक्ष्मण सीता का जो है अपमान किया जा रहा है। हाँ वही सब चल रहा है यार, अब कुछ होना तो है नहीं। अब मैं तो मतलब अब मैं यार थक गया हूँ यार, आप समझ रहे हो ना, कुछ होना वोना है नहीं, चिल्लम चिल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है, और वो अपना बनाते रहेंगे यार, हमारे बात कोई मानने वाला है नहीं यार ना। अब यार जो मेरा फेसबुक पेज है चैनल है सब मैं अपना डिलीट कर रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ, और वर्ल्ड कप आ गया है, अब अपना थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं, इंडिया उंडिया को देखते हैं, मैच वैच देखते हैं यार, छोड़ो धर्म वर्म बहुत हो गया, अब तू भी यार अपना ऐसा ही कुछ देख लो, आप समझ रहे हो ना, कुछ रखा है नहीं यार, समझ में हमको आ गया यार, कुछ मतलब कुछ नहीं होने वाला, उड़ाते रहेंगे। ठीक है चल भाई, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जगाने और सुलाने नहीं आए हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने आए हैं कि व्हाट आर द कोर इश्यूज जो बार बार इस प्रकार की घटनाएं रिपीट होती हैं, बार बार मुनव्वर फारूकी भगवान राम का मजाक उड़ाता है, कभी एम्स वाले मजाक उड़ाते हैं, कभी जो है सेंट मैरी स्कूल में भगवान राम का मजाक उड़ाया जाता है, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो भी हमारे अपोनेंट्स हैं जो हमारे सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनके जो चमचे टाइप के लोग हैं उनको भारत में सेट कर रखा है, इनका जन्म भारत में हुआ है, इनका टाइटल भारत में नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट ये काम जो है हमारे अपोनेंट्स के लिए करते हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको चमचा नंबर वन से। तो यहाँ पे मैं अपने हिंदुज्म के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुज्म को लेके जो भी आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इस लेक्चर को सुनने के बाद खत्म हो गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत चलाकी के साथ सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देता हूँ, मिस इंटरप्रिटेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वही काम है। Because you all know, I'm a well-known mythologist, धूर्तधट भटनायक। तो मेरा कोई फैन, कोई अंधभक्त, कोई किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई ज्ञान लेना चाहता हो, कोई ब्रेन वॉश कराना चाहता हो, तो मुझसे सवाल पूछ सकता है। सर सर देवदत्त सर, हाँ हाँ बताइए, प्लीज बताइए सर। आई एम योर बिगेस्ट फैन सर, और आपकी वजह से सर मैं हिंदुज्म को सर समझ पा रहा हूँ, जो हिंदू मिथोलॉजी है उसमें सर मेरा मनसा लग गया है सर आपकी किताबों को पढ़ पढ़ के। अच्छा, और स्पेशली सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, कि पहले सर मैं इंटरनेट पे बहुत गंदी गंदी चीजें देखता था, गंदी किताबें पढ़ता था, पर जब से मैं आपकी किताबें पढ़ने लगा हूँ सर, अब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ सर, क्योंकि सब कुछ एक जगह मिल जाता है आपकी किताबों में सर, लव सेक्स वायलेंस धोखा और सर होमोसेक्सुअलिटी सब कुछ मिल जाता है सर। हाँ इसलिए तो मैंने किताबें लिखी हैं सर। सर आई एम योर डाई हार्ड फैन सर, एक ऑटोग्राफ सर, वन ऑटोग्राफ प्लीज सर। ऑटोग्राफ श्योर, यू आर माई डाई हेड फैन आई थिंक। मेरी किताबें पढ़ते रहना ठीक है, और इसको ब्रेन वॉश कराते रहना सबका, और ऐसे ही मैं डिस्टॉर्ट करता रहूँगा ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ऑटोग्राफ सर, थैंक यू सो मच सर। आपका ऑटोग्राफ भी आपकी किताब के तरीके से बास मार रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं देवदत्त पटनायक के बारे में, या उनको हम देव नाम लगा रखा है, बट इनके काम असुरों से कम नहीं है। मतलब देवदत्त पटनायक की किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं, यूथ इनको हिंदुज्म के ऊपर एक प्रकांड विद्वान और एक सो कॉल्ड स्कॉलर की तरीके से मानता है। मैं आपको उसकी जो किताब है माई गीता, उससे मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ कि किस प्रकार से लोगों को कन्फ्यूज करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आस्तिक का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। बट आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि देवदत्त पटनायक जी ऐसा नहीं बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो अपने माई गीता में क्या लिखता है? वो लिखता है, एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ सेक्स एंड वॉयलेंस डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप हाउस होल्ड एंड लाइफ दोज हु अफेम इति आर आस्तिक्स। मतलब कि जो सेक्स वॉयलेंस और कॉन्फ्लिक्ट और डिजायर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रोस्टिट्यूशन में जो लगे हुए सब लोग हैं, सेक्स क्लब में काम करने वाले लोग हैं, ये सब आस्तिक हैं, और जो और मतलब बाकी जो नहीं कर रहे वो नास्तिक हैं। अब देखिए देवदत्त पटनायक समाधि का मतलब क्या बताता है, इसने अपनी किताब जो है माई गीता में ही बता रहा है, द वर्ड समाधि इज बेस्ड ऑन टू वर्ड्स समा
That means the first beat of musical cycle in Hindustani classical music. अबे समाधि में म्यूजिक घुसा रहा है, समझो, थोड़ा रुको. फिर क्या बता रहा है? An adi, that means the primal origin. तो समाधि के अंदर क्लासिकल म्यूजिक आ गई, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और प्राइमल ओरिजिन मिला के समाधि बता रहे हैं. और इनको लोग पढ़ते हैं और इनको लोग समझते हैं कि भाई ये महान जो है विचारक हैं, हिंदुओं को जोड़ने वाले, बताने वाले, शास्त्रों को बताने वाले. इसकी एक और किताब है द सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु, उसमें इसने अहम ब्रह्मस्मि के बारे में देखिए क्या बताया. अहम ब्रह्मस्मि विच मीन्स बोथ आई एम ब्रह्मा एज वेल एज आई एम ब्रह्मन. तो ये देवदत्त पटनायक बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मन भी हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ और ये अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है. मुझे लगता है कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो डायलॉग है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, ये देवदत्त पटनायक से तो नहीं सीखता है कि आई एम ब्रह्मा, आई एम ब्रह्मन. तो ये सब कुछ भी मतलब मिला जुला के कुछ भी ठोका जा रहा है, लोग इसको पढ़ रहे हैं और इतने सारे यूथ इसको फॉलो करते हैं. इसी तरीके से दोस्तों अभी कुछ साल पहले इसने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो शेयर किया था जिसमें एक तरफ जो है भगवान राधा और कृष्णा थे और दूसरी तरफ गुफाओं में दो गोपियां साथ में बैठी हुई थी. इसने क्या लिखा है? कृष्णा विथ राधा अंडर एन अम्ब्रेला एंड द टू लेडीज इन ए केव ब्रैकेट में लेस्बियंस. ये उन गोपियों को लेस्बियन बोलता है. अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सारे पुराण में बोला गया है कि गोपियों की भक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है. और देवदत्त पटनायक और उन गोपियों को लेस्बियन बोल रहा है और ये भगवत गीता को टीका लिख रहा है, लोग इसको पढ़ भी रहे हैं. तो मेरा सवाल ये है दोस्तों कि अगर अपने सब लोग, सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बिना किसी रेफरेंस के, तो मैं भी कल को बोल सकता हूँ ना कि भाई कुत्ते के बच्चे को पिल्ला नहीं कहते हैं, उसको देवदत्त पटनायक कहते हैं. और सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मैं माइथोलॉजिस्ट हूँ. तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये इतनी गंदगी, इतनी अपने दिमाग में इसके इतनी टट्टी जो है कहाँ से लेके आता है? तो ये समझने के लिए दोस्तों हमने थोड़ा इधर उधर आर्टिकल वार्टिकल सर्च किया तो हमें पता चला कि मेरा गाली भी मेरा कातिल निकला. मतलब जो देवदत्त पटनायक है वो विंडी डोनिगर को अपना मेंटर मानता है. वो विंडी डोनिगर जो कि जानी मानी जो है एंटी हिंदू एक्टिविस्ट है और उसका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि कैसे जो है हिंदू शास्त्रों को और हिंदुज्म को कैसे डिफेम किया जाए, ये विंडी डोनिगर से टीचिंग लेता है. 2009 में एक आर्टिकल है जिसमें इसने इस बात को कबूल किया है कि मैं जो है विंडी डोनिगर से हिंदुज्म को सीखता हूँ एंड शी इज जस्ट लाइक माई मेंटर. देवदत्त पटनायक के बाद हम आपको एक और प्रो लेवल के आस्तीन के सांप या चमचों के पास ले चलते हैं जिनके जीवन का एक और उद्देश्य है कि भाई हमें सनातन धर्म को तोड़ना है. आइए आपको उनसे मिलाते हैं. वेल, माई सेल्फ रुबिला थापर, द वेल नोन डिस्टोरियन ऑफ इंडिया, नॉट हिस्टोरियन. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मुझे देखकर. मेरी उम्र वैसे काफ़ी ज़्यादा है पर बड़ी उम्र के साथ साथ मैंने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा भी किए हैं. यू नो दैट इन 1983 आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री काउंसिल. सो मैं जो भी हिस्ट्री बताती हूँ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज एन अथॉरिटी. रोमिला थापर जी जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेस है और इन कई अलग अलग प्रकार से इन्होंने हिंदुज्म को डिफेम करने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया है. खैर उनके कुछ वीडियोस, उनके कुछ इंटरव्यूज को देखते हैं. The whole question of what was it, the Vedic culture that is talked about, and the differences are so enormous that we have differences, for example, on the issue of chronology. They will argue that the Vedic texts have to be taken back to the 3rd millennium BC. We say no, we accept the generally accepted date, which is 1500 BC, so there's a difference of 1500 years. They would like to argue that the Indus cities, or the Harappan cities, to give them the broader name, were all authored by the Aryans, whoever the Aryans were, and the Rig Veda is reflected in the archaeology of the Harappan cities. Well, would I be correct in saying that in a sense one of the fundamental differences between you and them is that you don't believe the Aryans were necessarily indigenous to the subcontinent? Yeah. तो देखा आपने दोस्तों, इनका सबसे पहला जो assumption है हिंदुज्म को लेके वो ये है कि हिंदुज्म जो है वो आर्यन ड्रविडियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. इसीलिए ये जो वैदिक टाइम को, वैदिक एरा को ये वैदिक आर्यंस के नाम से बुलाती हैं. और इनका ऐसा भी मानना है कि जो वैदिक कल्चर है वो आज से 1000 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना धर्म नहीं है. UPSC के अंदर इनकी किताबों को पढ़ाया जाता है, लोग इनको पढ़कर IAS ऑफिसर बनते हैं, वहाँ पर लोग हिंदुज्म के बारे में ये सीख रहे हैं.
एक और इनकी बड़ी मजेदार बात है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मौर्य वंश है, जिसमें अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य ये सभी लोग आए थे, इनको ऐसा लगता है कि महाभारत जो है मौर्य वंश के बाद हुआ था। There are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, "I don't want to be king. I would rather not have the power but be an ascetic and have a different kind of authority altogether." तो देखा आपने दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमती रोमिला थापर जी, जो इतिहासकार हैं, जो जिनसे डपली गैंग सीखता है, वो ये बता रही हैं कि अशोका से शिक्षा लेते हैं युधिष्ठिर महाराज। बट पॉइंट ये कि जो अशोक के जो दादा हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और उनके जो गुरु हैं उनका नाम चाणक्य है। उन्होंने एक किताब लिखी है, शास्त्र लिखा, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। उस अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने बताया है युधिष्ठिर महाराज के बारे में, महाभारत के बारे में। तो अगर अशोक के बाद युधिष्ठिर महाराज आए हैं तो अर्थशास्त्र के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है, ये रोमिला आंटी से पूछना पड़ेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है थापर आंटी के अंदर, कि आंटी बताती है कि जो महमूद गजनी जो था वो बड़ा भोला भाला आदमी था, अच्छा आदमी था, थोड़ा बहका था, बट भटका हुआ नौजवान था, उसकी कोई गलती नहीं थी, और उसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, कोई लूटा नहीं। Mahmud Ghazni's raids on the temple of Somnath came to be a symbol of the trauma that Hindus had suffered at the hands of their Muslim conquerors. It's become, in a sense, an Indian cultural belief. Yet your book suggests that contemporaneously, at the time, this trauma wasn't experienced, and it also suggests that perhaps this trauma is a product of later interpretation. Yes, it doesn't suggest that. It states that very categorically. तो देखा आपने? तो आंटी बता रही, रोमिला आंटी बता रही है कि महमूद गजनी जो है थोड़ा भटका हुआ नौजवान है। तो अगर हम महमूद गजनी के समय के इतिहासकारों की बात करें तो वो अपनी किताबों में ऐसा क्यों बताते हैं कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के अंदर आतंक मचाया हुआ था, मंदिर में लूटपाट किया, कत्लेआम किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्शियन इतिहासकार हैं जिनका नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इन्होंने अपनी किताब में ऐसा बताया है कि भाई सोमनाथ मंदिर के ऊपर किस प्रकार से महमूद गजनी ने आक्रमण किया। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है अल बरूनी, इन्होंने किताब लिखी किताबुल हिंद। इस किताब के अंदर भी उसने महमूद गजनी के आक्रमण के बारे में डिस्क्राइब किया है। एक और इतिहासकार है जिसका नाम है उतबी, इसने किताब लिखी है तारीख उल यामनी। इस किताब में भी उसने बताया है कि किस प्रकार से महमूद गजनी ने शिवलिंग को तोड़ा और सोमनाथ के अंदर कितनी भारी तबाही को किया। सवाल दोस्तों ये है कि रोमिला आंटी जानबूझ के इतिहास को क्यों छुपा रही है, जानबूझ के जो महमूद गजनी जैसे गलत लोग हैं उनके प्रति सिंपैथी क्यों पैदा कर रही है, उनको क्या मिलेगा, ये सवाल है। रोमिला आंटी से पूछना चाहिए, बट उनसे पूछेंगे तो कहा जाएगा भाई ये फासिस्टवाद है, भगवावाद है, हिंदूवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, मतलब आप कुछ भी बोलते रहें और हमें आपकी बातों को मानना पड़ेगा। वीडियो का फाइनल कंक्लूजन दोस्तों क्या है? फाइनल कंक्लूजन दोस्तों यही है कि सोशल मीडिया के एज में जहां पर हर व्यक्ति रामायण पर ज्ञान भांज रहा है, सनातन धर्म के ऊपर ज्ञान भांज रहा है, तो हमें थोड़ा बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी भी ऐरू गैरू नत्थी खैरू आस्तीन के सांप से हम सनातन धर्म की शिक्षा को ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम रामायण की शिक्षा उस व्यक्ति से ले रहे हैं जिसके मन में भगवान राम के प्रति कोई डिवोशन है ही नहीं, उल्टे भगवान राम को अपना दुश्मन मानता है। खैर, रोमिला थापर, अरुंधति रॉय और देवदत्त पटनायक, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों से सीखने के बजाय अगर आपको भारत के इतिहास को सीखने की आवश्यकता है भी, कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में भारत के इतिहास को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। फॉर एग्जाम्पल, मीनाक्षी जैन जी हैं, सीताराम गोयल जी हैं, श्री राम स्वरूप जी हैं, आर नागास्वामी जी हैं, इस प्रकार के कई इतिहासकार हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनकी किताबों को पढ़िए, इनके माध्यम से आप सनातन धर्म को समझने का प्रयास करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और आपसे हम ये भी निवेदन करते हैं दोस्तों कि आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देकर आप हमें अपना सहयोग दें ताकि इस प्रकार की वीडियोस को हम आगे भी बनाते रहें। आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे द्वारा डिज़ाइन की हुई अगर इंडिक डिज़ाइन की टी शर्ट को पहनने के शौकीन हैं तो आप हमारे मर्चेंडाइज VR मिसफिट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण। Now